मेरे पास एक है Redmi Note 8, इस फोन के अंदर बेस बैंड नहीं है। हेलो यस सर, थोड़ा कैमरा दिखाओ ऑन पर, मैं चाहता हूँ इधर आओ, आओ इधर आओ। मैं जबकि अगर हम जाए प्रॉपर तरीके से तो बहुत सारे जगह से बेस बैंड जा सकता है। हेलो यस सर, जा सकता है कि नहीं जा सकता है? यस सर, जा सकता है। तो अपन अगर कोई डायग्राम ना खोलते हुए, हमारा वो चीज ना अपन दिखाते हुए सीधा सीधे यहाँ पर आए, तो ध्यान दो अभी इसके अंदर क्या है, चलिए बताओ। जब हम इसके अंदर सिम लगाएंगे, बोलो, तो अब हम कंडीशन देखेंगे, बोलो, अगर सिम मिलती है तो ये सॉफ्टवेयर का फॉल्ट माना जाएगा। किसका माना जाएगा? हाँ, तो ध्यान रखना जितने लोग भी देख रहे हो, अगर आपका बेस भी अननोन है और अगर आप सिम लगा रहे हैं और आपका सिम आ गया जियो वियो देख गया तो सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कॉलकॉम का सेट है, किसका सेट है भैया, तो या तो आपने लोअर फाइल मारी है तो एक अपग्रेड फाइल मारो, नहीं तो आपको एक फाइल आती है जिसको बोलते हैं QCL, क्या बोलते हैं बताइए, कॉलकॉम कैलिब्रेशन नेटवर्क, ये फाइलों के अंदर होता है बेसबैंड का डाटा। जब तक हम इस फाइल को राइट नहीं करेंगे हमारा बेसबैंड आएगा नहीं, फिर उसके बाद IMEI को रिपेट करना पड़ेगा मैन्युअली। सो वो लीगल तरीके से भाई, और आई एडवाइस यू एंड सजेस्ट यू प्लीज डोंट डू इलीगल वर्क। जब तक आपके पास लिखा हुआ उनका पर्चा ना हो तब तक काम मत कीजिएगा, ये एक इलीगल काम है। और KG अनलॉक और ये सारी चीजों को एजा टेलीकॉम और खास तौर पर देवेंद्र अग्रवाल सपोर्ट नहीं करता। और एक और बात कहूंगा, अगर कोई KG अनलॉक का काम करता भी है तो मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना स्टूडेंट ना टीचर, सीधी सी बात है। मेरे हिसाब से जो KG अनलॉक करेगा वो इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं होगा, बस सीधी सी। मैं किसी भी कॉल पे अनलॉकिंग सपोर्ट नहीं करता हूँ, इलीगल है। तो भाई पर प्रॉब्लम ये है, इस सेट के अंदर हमारा सिम भी क्या है, चलिए बताओ, नो नो। मतलब अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो नो बेसमेंट है, बोलो नो बेसमेंट, और क्या है, नो सिम। तो जैसे कि आपको बूट सुटकेस बता है नेटवर्क का, हेलो यस सर, हम नेटवर्क से बात कर रहे हैं, सर फोन करता है, फिर हमने कुछ कर दिया और से बात करके पहुंचा नहीं, आई फिर बात करता है, हम काफी सही काम करते हैं, तो आप इसको करते हैं या सोचते हैं करते हैं, क्या करते हैं, हेलो हेलो नो या चलिए बात आगे चलिए बात क्या करते हैं, तो कौन बेसिक ट्रेवल करती है और देखें थोड़ा सा। तो आपके फोन के अंदर एक लगा होता है क्रिस्टल जिसको हम VCO बोलते हैं, उस VCO के अंदर ये ले लो 1 2 3 4, ये है आउट, ये है इन, 100 ग्राम इसके साथ लगा होता है रजिस्टर एंड DC। ये क्रिस्टल हमारा कॉलकॉम के अंदर, अच्छा हाँ बहुत है वीडियो के अंदर 26 बता रहे हैं, नहीं भैया 26 MD केबल होता है, यहाँ पर लगा है 19.2, इसके अपग्रेड होगा 38, उसके अपग्रेड होगा 76। अब जैसे हम फोन को ऑन करेंगे तो कॉलकॉम ये फ्रिक्वेंसी देगा, एसोथर्म की सप्लाई है जो हीट सेंस करेगा और आपका पावर IC जनरेट करेगा क्लॉक सिग्नल। तो वो CPU को कौन से क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगा, ध्यान दो CPU को वो क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगा पहला स्लीप क्लॉक, बोलो स्लीप क्लॉक, बोलो फिर से बोलो स्लीप क्लॉक, और BB क्लॉक, बोलो BB क्लॉक। उस BB क्लॉक के लिए उसको एक EN सिग्नल भी चाहिए CPU से, BB क्लॉक EN, बोलो BB क्लॉक EN। तो ये EN आएगा, ये भी आना जरूरी है, ये करके तो हम इस EN की बात नहीं करेंगे, ये हमने अपने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं इसका डायग्राम का बनाकर। सो BB क्लॉक, सो BCLK, ये भी एक रजिस्टर के साथ CPU की ओर जाएगा, इस ये जनरली 0 ओम से रजिस्टर होते हैं और कई दफा 1K तक भी लगता है पर 0 ओम से रजिस्टर होते हैं। इस लाइन पर होती है 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। अभी अगर आपके पास DSO है तो आप इसको चेक कर सकते हो, नहीं है तो आप इसको वोल्टेज मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, मल्टीमीटर को आप वोल्टेज की रेंज पे सेट करोगे और उसके बाद में 2 प्रोब मिलते हैं, ब्लैक वाले प्रोब को ग्राउंड और रेड वाले प्रोब को आपको टेस्ट पॉइंट पे लगाना है, आपको यहाँ वोल्टेज मिलना चाहिए 0.5 से 1.5 वोल्ट इस तरीके। बट जब यही फ्रीक्वेंसी HDR और WDR के अंदर जाती है या MDK61 या S9 सैमसंग के अंदर जाती है तो कैसे ट्रेवल करती है, वाया कैपेसिटर होता है, ठीक है, सेम जैसे ये जाएगी उसी के बाद ये जाएगी, तो इसलिए विदाउट सिम बोलते हैं, ये सारी चीजें विदाउट सिम होती है तो हमें सिम लगाने की जरूरत नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि हमको WDR के अंदर एक सप्लाई ढूंढनी है XO IN, क्या ढूंढनी है बताइए, XO IN, बिल्कुल
और क्योंकि हमारा सेट अभी नोट 8 है, नोट 8 में हमारा क्या लगा हुआ है एसडीआर, तो हमको एक या तो 200 ओम का रजिस्टर या तो एक कैपेसिटर जो कि पिको फराड है, मेबी केटेस पिको फराड, कुछ भी वैल्यू है, नैनो पिको फराड की वैल्यू के कैप्स होते हैं, इनको पीएफ भी बुलाते हैं, इनको कैप्स भी बुलाते हैं, पीएफ पीएफ तो इनकी वैल्यू होती है सीधी सी बात, और एक जाता है WCN के अंदर व्हिच इज वाईफाई सिग्नल, तो इसके अंदर भी ये आपकी सप्लाई जाती है और ये इसका एक्सो इन है, तो इस तरीके से एक्सो इन सब जगह ट्रैवल करता है, तो हमारे को फिलहाल अभी इनका एक्सो इन चेक करना है, बिकॉज अगर ये निकल जाए तो हमारे को पहली कंडीशन बन सकती है नो बेसबैंड और क्या बन सकती है नो जीरो सी, अगर ये निकल गया तो हमारे पास कम से कम 5 तरीके और है, हेलो कितने तरीके और है 5, तो अगर वो भी चेक करेंगे आ जाओ, देखो तो सबसे पहले हमारा एसडीआर है, हम यहां पर डायग्राम खोलेंगे, पहले तो हम देखेंगे क्या हमें कोई वोल्यू एक्सो इनका सोल्यूशन देता है कि नहीं देता है, ठीक है, तो हम पहले जितने भी खुले उसको बंद कर देंगे, ये नोट 8 का ऑलरेडी खुला हुआ है, डायग्राम भी खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, हमें यही चाहिए खाली, और हम नोट 8 का ये भी खुला है, तो तीनों चीज मिल रही है, क्या चाहिए प्रो तो नहीं है, ठीक है, अब ठीक है भाई, देखो नोट 8 का ये है, नोट 8 के अंदर अगर हम देखें तो हमारे एसडीआर के अंदर कोई भी एक्सो लाइन नहीं होती बोलनियों के हिसाब से, जो आप बोलनियों के हिसाब से नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ एक्सो है ही नहीं, डीआई ही नहीं है, ये लोग देते हैं खाली बैंड पीआरएक्स जो कि एक डुप्लेक्सर से रिसीव होता है, और देते हैं खाली वोल्टेज 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 वोल्टेज, आरएफएफई भी नहीं देते, बहुत कम कंडीशन में भी इन्होंने आरएफएफई, तो आरएफएफई भी गायब है इनकी, आरएफएफई अगर यहाँ देते तो सब जगह देते, यहाँ पर भी देखो तो क्या क्या दिया हुआ है, एक टीएक्स डाटा दिया है, एक 1.8 दिया है, एक 4 दिया है, 22 नंबर पे आपको एंटीना दिया है और बैंड दिया है जो कि 1 है, यहाँ पे 3-4 लिख दिया पर ये 1 ही है बस, बैंड 1, ये 1 का डुप्लेक्सर है बस, सो 4G डाटा के अंदर देखो क्या दिया है, 4G डाटा के अंदर इन्होंने दिया है खाली वो बैंड 1 जो कि डुप्लेक्सर से ट्रांसमिट होकर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 1.8 दिया है, 7, 8, 4 और ये आपको दिया है टीएक्स डाटा, और यहाँ की मिड का डाटा दिया है, हाई का डाटा नहीं दिया है, यहाँ 3 नंबर पे एक और ये कैपेसिटर लगा है, ये भी निकल जाएगा तो आपका कॉल एंड पर आ जाएगा, 2 डाटा 4 डाटा 4 होते हैं, मिड हाई और लोअर हाई जो कि दोनों 4 होता जाते हैं, अभी कैसा है, सो हमारे को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इसका बिटमैप चाहिए और हमें इसका डायग्राम चाहिए, तो बिटमैप भी देख सकते हैं, बिटमैप से हमें पता चलता है कि हमारी लाइनें कहां से कहां जा रही है, क्योंकि बिटमैप चाइना ने बनाया है, गोंडियों ने नहीं बनाया, इसलिए वो एक्यूरेट बोल सकते हैं एक हद तक, अब सबसे पहले हम अपना पैड नंबर जानेंगे, तो पैड नंबर 2 तरीके से जान सकते हैं, अगर आपको डायग्राम नहीं खुलता तो डायोड के अंदर डायोड आईसी ऑन बोर्ड होता है, ये डायग्राम खोलेंगे फिर ढूंढेंगे, इससे अच्छा इमीडिएटली डायोड आईसी खोलो, और मैं तो बोलता हूं अगर आप सच्चे और ईमानदार टेक्नीशियन है तो आप ये पूरा एसडीआर अपनी कॉपी में बनाएंगे, क्योंकि 660 करीबन 1000 फोनों में आता है, ये बनाने से आपका दिमाग तेज चलेगा, अब इसके अंदर अपन एक्सो इन ढूंढ सकते हैं कि भाई यहां पर एक्सो इन कहां दिखाई दे रहा है, यहां पर कहीं पर देखो एक्सो इन अगर आपको दिखाई दे दो तो इसमें आप एक्सो इन ढूंढ सकते हैं, हमारा एक्सो इन कहां आ रहा है, तो यहां पर आप देखिए कहां पर है, खड़े होकर बताओ, हमें दिख नहीं रहा, अरे क्या बात है, बहुत ईमानदारी से ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारा एक्सो इन आ रहा है इधर, तो हम इधर से एक्सो इन से ढूंढ सकते हैं, जो कि हम यहां से ले लेंगे 1, 2, 3, 4 के बाद 1 फिर 1, 2, 3, 4, अब इसके बाद ये तब की बात है जब कोई भी स्कीमेटिक ना हो, डायग्राम तो 2 मिनट में एक्सो इन ढूंढवा देगा, ये सब की बात है जब डायग्राम ना हो तो बिटमैप, तो आपको ये आईसी ऑन बोर्ड काम में आएगा, आईसी ऑन बोर्ड ये सिर्फ बोर्ड नहीं हो दे रहा आपको, तो फिर से मैं बोल रहा हूं 1, 2, 3, 4 के बाद 1, 2, 3, 4 और 4, अब अपन इसके बिटमैप पर जाएंगे, अब इस पे इफेक्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा एक्सो है बिल्कुल करेक्ट आया, और ये देखो यहां पर ये कंपोनेंट जा रहा है कैपेसिटर पर, और इसके बाद ये सीधे आरएफ क्लॉक के बाद एक और पे जा रहा है, ओके यहां से, और ये आरएफ क्लॉक पीएमआईसी, और यहां से ये सीधा चले जाएगा पीएमआईसी के अंदर, सो कहने का मतलब है पहले कैपेसिटर लगा है फिर रजिस्टर लगा है, तो हमें पहले चेक करना है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट है, नहीं तो है निकला है क्या है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं बेसबैंड चला जाता है और नो सिम आता है तो एसडीआर को उठा उठा के रिवॉल्व करते हैं, अब देखो रिवॉल्विंग भी है सारी चीजें, अगर हम देखा जाए तो इस सेट के अंदर
बट अगर हम यहाँ पर अपना ये कैपेसिटर देखें जो कि हमारे को सबसे पहले यहाँ मिलना चाहिए इधर, तो इधर पे ये कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर हमारा, अभी कैपेसिटर है कि क्या है ये कैसे पता चलेगा, तो गुंडियों ने ये भी डिटेलिंग दी है, तो पार्ट के अंदर सी लिखा है तो कैपेसिटर है और आर लिखा है तो डायग्राम तो मिल ही जाएगा। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारा एक कंपोनेंट निकला हुआ दिखाई दे रहा है, कैपेसिटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब हमारा फोन ऑन है तो हम यहाँ से फिर भी देखेंगे क्या हमें कुछ वोल्टेज या कुछ फ्रिक्वेंसी या एक जगह मिलता है, नहीं तो हम इसको जंपर मारेंगे। हम यहाँ पर एक कंपोनेंट भी लगा सकते हैं पर हम जंपर मार के थोड़ा सा चेक करेंगे कि क्या जंपर मारने से हमारा काम होता है कि नहीं होता है, ये करेंगे। हम कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा आसान है। तो देखो कुछ वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर, यस सर, और ऊपर देखो कुछ वोल्टेज नहीं। ये जो वोल्टेज है बोलो, ये जो ये वो वोल्टेज है जो पीएम डे बना रहा है, क्या बना रहा है, हाँ मतलब यहाँ तक फ्रीक्वेंसी मिल रही है। हेलो यस सर, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो नोटिस करते हैं कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए। अरे इसको कैलिब्रेट कर, फिर अपन क्या करते हैं इसको सीधे जंपर मारेंगे और देखते हैं कि क्या एक जंपर से बोलो एक जंपर से बेसमेंट आता है कि नहीं। तो हम कैलिब्रेट कर ली, ठीक है, और हमने ग्राउंड में टच किया, ये देखो अब ऑटो का धन्यवाद, ये देखो 38 बन रहा है यहाँ पर, हेलो यस सर, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल जो है 38 का लगा है, किसका लगा है 38 का, इसका मतलब हमारा फ्रिक्वेंसी पावर से तो बिल्कुल सही आ रहा है, हेलो यस सर, बट हमारे एचडीआर को नहीं जा रहा है और हमारे अभी तक के बूट फ्रीक्वेंसी बताओ, क्या हम कैपेसिटर लगाते हैं या जंपर लगाते हैं, जंपर मार देते हैं, कैपेसिटर लगाना होगा तो वो लगा देंगे, सोल्यूशन भी पता चलना चाहिए कि क्या जंपर लग सकता है कि कामयाब है कि नहीं। ठीक है, तब तक जब तक आप मोबाइल ऑन कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं, अगर मान लो कि कोई टेक्नीशियन एक गलत पीएफओ का वर्जन लगा दे और जैसे वीवो का V25 है तो हमें नहीं पता चले कि भाई क्योंकि इसका बोनियो मॉडल नहीं है कुछ भी नहीं है, हमें ये पीएफओ ढूंढना है कि कौन सा गलत है, ये कौन कौन ढूंढ लेगा जल्दी बताओ, बिना बोनियो बिना डायग्राम बिना स्कीमेटिक के, बोनियो में इतना हजारों डाटा है कि हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं कहीं से, ठीक है। तो अब हमारा फोन यहाँ पर ऑन हो चुका है, अब इसमें हम देखेंगे कि क्या हमें सक्सेस मिलता है या हमें एचडीआर को ही, अब अगर मान लो ये नहीं होता है तो हम इसके बाद एचडीआर चेंज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि एचडीआर 100 की फ्रीक्वेंसी को ले नहीं रहा होगा, उसके बाद हम जाकर फिर हम इस सेट के अंदर अपना क्यू लिंक का डाटा चेक करेंगे, किसका डाटा, क्यू लिंक, सबसे पहले क्यू लिंक का वोल्टेज चेक करेंगे, हेलो एचडीआर को मिलने वाला कि वो आ रहा है कि नहीं, और उसके लिए सिम लगाएंगे और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे अपना क्यू लिंक के जितना भी डाटा है जो हमारा आना चाहिए पॉजिटिव। तो लो इसका टच चला भाई, ठीक है अनिल दिखाओ, देखो वहां पर दिखाओ, बैठ जाओ, तो देखिए अब आउट का जान गए और बेसमेंट का डाटा देखेंगे, तो देखो बेसमेंट दिखाई जा रहा है यहां पर, ठीक है थैंक यू। चलो ओवरऑल बताओ 10:30 बजे से अभी तक का पूरा समय वर्क रहा या वर्क रहा, सच बताइए, यस सर, किसको लगता है कि हमारी बाकी में जो हम फीस पे किया है इस टेलीकॉम में वो पूरी वसूल है, यस सर। एक और वीडियो खत्म करते हैं प्लीज आओ यहाँ पर, क्योंकि ये जरूरी है,
एक बार इनके लिए फिर से जोरदार ताली बजाओ, एक बार इनके लिए जोरदार बजाइए। विनर है नाम देना, ये वो टेक्निशियन नहीं है जिसने सीपीयू छेड़ा तक नहीं था। हेलो यस सर। तो तुम लोग देख लो जो सीपीयू लगाकर थोड़ा हल्का हल्का लगा के टच करके आ रहे हो, ये तुमसे भी एक कदम आगे अभी की डेट में, क्योंकि अगर तुम वाकई में आगे होते एक्सपर्ट होते तो तुम 8 मिनट में लगा देते। समझ में आ रहा है? yes, sir. पहले तो घमंड को करना है जीरो, हेलो yes, और नॉलेज को बढ़ाना है, और किसी को अपने साथ कंपेयर होना, मतलब किसी के साथ अपने आप को कंपटीशन नहीं रखना, कौन कब आगे निकल जाए ये पता नहीं चलेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक बार जोरदार ताली बजाओ एमडी सर के लिए। कौन है पूरे इंडिया में जो कैमरा चालू है आपका? चालू है ना कैमरा आपका? तुमको नोट्स दे रहा वीडियो के, कौन है इंडिया में ऐसा? है कोई ऐसा इंस्टीट्यूट? नाम बता दो। वो मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर है जो तुमको अपना वीडियो नोट दे रहे हैं, कोई भी डाटा नहीं दे सकता अपना। अच्छा मुझे बताओ, आपको जाने, आप मुझे बताइए वो बेसमेंट का सर्वर यहाँ बैठे किसके स्टूडेंट के पास में? बताइए। मेरे पास। मेरे पास है। सच बताइए। यस सर। आज नेटवर्क की क्लास कैसी गई आप लोगों? सिर्फ अच्छी गई बताओ। बहुत अच्छी सर। समझ में आई? ये अच्छा पढ़ा तो सभी देते। समझ में आई? और नेटवर्क का पूरा सिक्योरिटी पड़ा हमने। ऐसे तो नहीं कि कोई सा भी वोल्टेज कभी भी चेक करना है। हेलो हर सिक्वेंस का समझा कि कब सिम के बाद कब सिम से पहले, ठीक है? और मैं सच बता रहा हूं, अगर आप कहीं और जाते तो इतना आपको मिल पाता है क्या? चलिए दिल पे हाथ रख के बताओ, कल सीपीयू कॉम्पिटिशन खेले हम लोग फेयर के लिए, कौन जीता उसमें से पहला कॉम्पिटिशन? खड़े हो जरा एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। मुझे बताओ क्या बोलना चाहोगे? कल मैं पूछ नहीं पाया आपसे, वेरो कार में समझ में आया मुझे पूछना चाहिए था। बताओ क्या आपने कभी उससे पहले आईसी लगाई, सीपीयू लगाया था? नहीं बिल्कुल नहीं सर। सीपीयू लगाया नहीं था? नहीं सर, सीपीयू तो मैंने गया ही नहीं था उसको। अच्छा, और आपने सीपीयू कॉम्पिटिशन में कितने मिनट में सीपीयू लगाया? 12 मिनट में। अब मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ बैठे बहुत से लोग जो थोड़ा थोड़ा सीपीयू लगाकर आए, हल्का हल्का फुल्का, जो कह रहे हैं कि सर मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ WTR कर लेता हूँ, उनने भी तुम्हारे से बाद में किया। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? सही प्रैक्टिस सही तरीके पे सही रिजल्ट देती है, कुछ भी करने से उसको प्रैक्टिस नहीं मिली है। एक बार इनके लिए फिर से जोरदार ताली बजाओ। हम सब ये सोच रहे थे कि वो लोग जीतेंगे जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे थे पहले से। Yes, आप भी शायद यही सोच रहे होंगे। yes, आप भी दिमाग में होगा कि यार वो 2-3 लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, वो सीपीयू पट्टे से लगा देंगे, हम लोग तो लेट हैं। इनका कभी किसी ने बारे में सोचा था क्या? नहीं सर। कि ये लगाएंगे पहले? नहीं, नहीं। आपको कैसा लगा कल आपने पहली बार लगाया तो, वो खुशी कैसी थी? सच बताओ मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा हो जाएगा। अच्छा, और मेरा फर्स्ट टाइम ही हो गया, मैंने ना दोबारा रिकॉर्ड किया ना फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया। और आपने प्रॉपर तरीके से लगाया, कोई तुक्के में तो नहीं लगा? नहीं बिल्कुल नहीं, प्रॉपर तरीके से जैसे सर ने हमें टेक्निक दी थी और जैसे प्रैक्टिस किया था वैसे ही बिठाया। तो बहुत बड़ी बात है, और इसमें जानना चाहूंगा आप सभी ने लगाया? ऐसा तो नहीं कि इसे बिन्दे लगाया आपने लगा ही नहीं, हाथ खड़े करके बताओ कि किन्ने लगाया? तो यार इनको हवाई तब से क्या दिया जाएगा? माइक्रोस्कोप दिया जाएगा। और आखिरी में आपका था माइक्रोस्कोप? नहीं सर। चलो नहीं। क्या बात है, उनको मिला जिनके पास नहीं है। मैं ये सोच रहा था, मैं बोलने वाला था, मान लो आप में से किसी के पास मिल जाता और आपका होता तो मैं आपसे बोलता कान में आके कि उसको दे दो जिसको तुम्हें देना है, जरूरतमंद। तो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत एक्सीलेंट वर्क है। बैठिए। पावर किस किस ने निकाल के लगाई? हमने लगाई। हमने लगाई सर। तो बताइए क्या क्लास थी आज हमारी? आज हमारी सीपीयू रिवॉल्विंग की क्लास थी। और क्या था हमारा? सैमसंग के डबल डेकर सीपीयू और रैम दोनों को रिवॉल्विंग का था, और साथ में पावर आईसी भी रिवॉल्व किया, और साथ में पावर आईसी को दोबारा से रिवॉल्व करके लगाया। ये खाली रिवॉल्विंग किस किसका किया है? आज से पहले क्या हम 4G सीपीयू पे काम कर पा रहे हैं? अब ये बताइए प्रॉपर नॉलेज। ये तो हो गया आपका लाइट का सेक्शन, जिसके अंदर आपका ये 10 माइक्रोएंपियर का बूस्ट कॉइल फ्यूल रेजिस्टर से चार्ज, ठीक है? तो ये आप मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये फॉलो कर सकते हैं, 32 मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के अंदर, जो मैंने हाल में ही अभी एक्टिवेट किया है। मतलब देखा जाए तो मैं इसमें ज़्यादा काम करता नहीं था, आपसे मैं काम इसमें कर रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, आप हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 5.5 लाख लगभग हमारे फॉलोअर्स हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा। और क्योंकि इंडिया में इसे टेलीकॉम पर ट्रस्ट करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा है, अभी हमारी MMC की क्लासेस चल रही हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट के डे वन से आप डे लास्ट तक के वीडियो आप यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर सर्किट के काम करते हुए मिलेंगे आपको।
नाम आपका? मेरा नाम सचिन जी। क्या क्या क्लास है आपकी? ब्लैक पेस्टेड आईसी रिमूव क्लीन करना, कैसे क्लीन किया जाता है, ये सारा चीज सीख रहे हैं आप? जी। इम्यूनसी की क्लास चल रही है। आपका पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्लियर है? जी। ऐसा तो नहीं कि कोई डाउट लेके बैठे हैं आप? नहीं, कोई डाउट नहीं, पूरा क्लियर है अभी। देखो तो ये हमारे सारे स्टूडेंट को, ये दोस्तों ट्रांसपेरेंसी ऐसे टेलीकॉम का दूसरा नाम है। और उसके अलावा जो भाई पाकिस्तान में है, ध्यान दीजिएगा, जो भाई पाकिस्तान से बाहर हैं और जिसको हिंदी या उर्दू आती है, जो मेरी लैंग्वेज समझ सकता है, तो वो आप जाकर हमारा ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेस कर सकते हैं। और उसके लिए आप पहले एमडी सर से ज़रूर बात कीजिएगा, बिना बात किए कोर्स को परचेस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा ऑनलाइन वैसा ऑनलाइन नहीं है जैसा लोग जनरली डालते हैं। या तो वो आ जाएंगे ऑनलाइन और बताने लग जाएंगे एक घंटे की क्लास में, या तो वो अपने रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे। हमारा ऑनलाइन थोड़ा डिफरेंट है, तो आप उसको समझ सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर iPhone 6 से 14 Pro Max जो सिर्फ 10,000 रुपये में, जिसके अंदर आपको बेसिक से बहुत अच्छी डिटेलिंग मिल जाएगी, और iPhone में सिर्फ 10,000 में आप, मतलब इसके अंदर आप देखो तो 1,000 के ऊपर कंटेंट डला हुआ है। वीडियो कोर्स ये होने वाला है खास तौर पे। ये मैंने iPhone 6 में तो 35 चैप्टर हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे और इसको देख कर नोट्स बनाओगे और काम करोगे प्रैक्टिकली, तो आपको iPhone की वो कोई और क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने थोड़ा बहुत हैंड स्किल का नॉलेज होना ज़रूरी है। और दोस्तों ये एंड्रॉयड 5G अपडेटेड क्लास जो कोर्स है, ये हमने अपने स्टूडेंट के लिए खास तौर पे डिज़ाइन किया है। जो हमारे स्टूडेंट जो हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनको 3 महीने के बाद में, क्योंकि दोस्तों हम भी जानते हैं कि आप एक दिन में कितने ही सर्किट समझ लेंगे, एक महीने में कितने ही सर्किट समझ लेंगे, और अगर हम सिर्फ सर्किट ही सर्किट समझाएंगे तो प्रैक्टिकल का क्या। इसलिए हम एक पैटर्न में पढ़ाते हैं, और यही हमारा एक्सपीरियंस है। आप 13 साल का एक्सपीरियंस हम लेकर बैठे हुए हैं, और हम जानते हैं कि हमें कब और कैसे देना है। और इसलिए हमारा जो स्टूडेंट है वो आप ही को पढ़ा रहा है टीचर बनकर बहुत सारी जगह में, और ये आपको 2-4-5 दिन बाद पता चलता है कि वो तो हमारे स्टूडेंट में, हमारे इंस्टीट्यूट में था। बट कोई बात नहीं, आपको, आप हमारे पास आ सकते हैं, और ये कोर्स आपको मेरी तरफ से, जो मेरे चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो आपको ये पूरा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। जो सिस्टम का चार्ज होता है वही आपको लगेगा, जो कि 1,000-1,500 या 2,000 के लगभग होगा। सिर्फ आपको ये पे करना पड़ेगा, और ये कोर्स पूरा आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर सैमसंग एडिसन, 5G, क्वालकॉम नेटवर्क और डेट सेक्शन के बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। और साथ में दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सिंगल पावर AC पढ़ा के भेज देते हैं, हम डबल और 3 पावर पढ़ाते हैं। पर जो लेटेस्ट 5G है उसको हम 3 महीने के बाद, ताकि स्टूडेंट जाने के बाद पहले हमारे कोर्स को पूरे अच्छे से प्रैक्टिकल और वो जो भी फॉल्ट आया उसको समझे, और 3 महीने के बाद अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो प्रैक्टिकली हमारे पास रिटर्न मार सकता है, कितनी बार भी रिटर्न मार सकता है। क्योंकि हमारे को बैकअप क्लास हम स्टूडेंट को देते हैं हर महीने दो दिन, जो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं देता है। दूसरी बात दोस्तों, उसके साथ उनको हम अधिकार देते हैं कि आप हमसे हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, और उसके बाद हमें अधिकार देते हैं कि आप हमारा ये कोर्स हमसे ले सकते हैं। हमारा जो पैसा है वो बिल्कुल कट करके एक तरह से देखा जाए तो ये आपको 25,000 रुपये यहाँ पे करने नहीं है, तब जब आप हमारे स्टूडेंट हैं। तो आप हमारा ये सारे कोर्सेस, आप इसको, ये लिस्ट में लिंक डाल दूंगा, आप जाके इसको देख सकते हैं यहाँ पर। और हाल में ही मैंने एक एंड्रॉयड मास्टर कोर्स को डिज़ाइन किया है, ये मेरे पाकिस्तान के भाइयों के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे इसके लिए मैसेज, दोस्तों अगर जो भी मेरे पाकिस्तान के भाई हैं जो कहीं और के, जो इंडिया के बाहर के, नेपाल के, और जो हिंदी जानते हैं, जो मुझे समझ लेते हैं, वो मुझे मैसेज करें, मैं आपको दूंगा मेरी लाइव क्लासेस, और आपको बहुत अच्छा मिलेंगी, और जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा मुझसे, और बेहतर तरीके से। और आपको अब किसी सस्ते इंस्टीट्यूट में जाकर लुटने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा, और इस वीडियो से आपने बहुत नॉलेज लिया। तो पूरा वीडियो, पूरा बूट सुकेंस का वीडियो डालूंगा प्रैक्टिकली और थ्योरिकली, ताकि आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अपने जीवन का लक्ष्य बना लो अच्छा काम करना। अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि यार सही जगह जाना है। अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, आईफोन चलाते हो ना, बड़ा महंगा मोबाइल, वीवो का भी मोबाइल है तो भी 50-60 हज़ार का, तो फिर इंस्टीट्यूट क्यों 10-20 हज़ार का, एजुकेशन क्यों इतनी लो। ये एशिया टेलीकॉम बोलता है कि चौथे दिन सीपीयू है ना सीपीयू, तो किसके कौन कौन लगा के बैठा है यहाँ पर, सभी लगा के बैठे। तो हाँ दोस्तों, अगर आपका टीचर आपसे बात नहीं कर रहा है, आपका संदेश का जवाब नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है ये संदेश आपको सुनना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक इंस्टीट्यूट चलाना एक अलग बात है, बट अपने साथ लोगों को सपोर्ट करना एक अलग बात है, और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। संदेश सुनिए, ये आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज, मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूं, 28 दिसंबर बैच 2022 का, मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं
मैं अपनी पर्सनल लैब में हूँ अभी, और अभी रात का समय जो हुआ है वो समथिंग हो चुका है 3:20, जो कि मैं अपनी लैब में बैठा हूँ। मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरा सर्टिफिकेट है 28 दिसंबर बैच। सबसे पहले मैं अपनी आप लैब दिखाता हूँ, मैं अपना पूरा लैब दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरा पूरा लैब है, ये मेरा छोटा सा सेटअप लगा रखा है मैंने, तो आज हमारे पास है Redmi का Note 7 Pro, जो कि एक अजीब प्रॉब्लम है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेट को क्या है कि जब भी रिस्टार्ट करते हैं तो वो 30 सेकंड के समथिंग इसमें नेटवर्क आएंगे, सब कुछ होगा, और 30 सेकंड बाद ये नो सर्विस में चला जाएगा सेट। तो देखिए मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको, देखिए अभी इसमें सिम भी नहीं आ रहा है और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, ये नो सर्विस पे आया, जियो पे आ गया, और अभी ये नेटवर्क चला जाएगा इसमें, ये वोल्टी भी आ गया, और अभी देखो इसमें एक एरर आएगा थोड़ी ही देर में। इतनी पुअर जहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो यार एक बार सीनियर से पढ़ो, एक बार उन टेक्नीशियन से, उन टीचरों से पढ़ो जिन्होंने इनको पढ़ाया है। तो आ जाओ, मौका दे रहा हूँ मैं इधर टेलीकॉम का, 28 अक्टूबर की स्पेशल बैच सीपी कंपटीशन खेलेंगे, माइक्रोस्कोप जीतेंगे, 5G का एंड्रॉइड अपडेटेड कोर्स लेके जाएंगे, आईफोन का 6 से लेकर 14 प्रो मैक्स का कोर्स लेके जाएंगे, प्लस सारे टीचरों का नंबर लेकर जाएंगे। यहाँ हम टीचर ऐसे नहीं है, बहुत प्रीमियम, हम कोई बड़ा घुमावा की औलाद नहीं है, हम आपके साथ बात करेंगे, और 2030 में भी आपको फ्री में अपडेट देंगे, हर 3 महीने के बाद हर महीने 2 दिन की अपडेटेड क्लासेस फ्री रहेंगी। इसे टेलीकॉम में आने का आपका रास्ता खुला रहेगा, आप ऐसे टेलीकॉम के अपने नाना नानी का घर समझ लेना, ध्यान देना, ऐसा टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000739192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक। सो हाँ दोस्तों, मैं देवतन अग्रवाल, एसी टेलीकॉम को फाउंडर। अगर आपको पढ़ना है एक ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग एक गुरुकुल से, जहाँ पे डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप 30 से 14 दिन में आपने सीपीयू एमएमसी पावर सब लगाकर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए, और थ्योरी के साथ भी आप डेली सीपीयू लगाएं, ताकि आपको आपका हैंड स्किल बना रहे, क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो सीपीयू पे पैड जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहां पे आपको डीप लेवल की थ्योरी मिले, जहां पे आपको वो सर्किट, वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको ईएमसी जिसमें यूएफआई पढ़ाया जाए, और जेटेक जिसमें आपको लेटेस्ट जो आईसी है, जो सीपीयू चेंजिंग सब कुछ आपको अगर रिजल्ट चाहिए, तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एसर टेलीकॉम। अगर आपको सीपीयू मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास, 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना चूकने दो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000739192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक।